नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के महाराजा शिवाजीराव स्कूल में खड़ा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, स्कूल महाराजा के नाम पर प्राचीन काल में स्थापित किया गया था। यहाँ से एक से बढ़कर एक शख्सियतें पैदा हुई निकली जिन्होंने इंदौर का और इस स्कूल का नाम रोशन किया। बहरहाल, एक समय ऐसा भी आया जब स्कूल की स्थिति दयनीय हो गई। जैसा कि हमने आपको पूर्व के दृश्यों में दिखाया, ऐसी जगह भी है जहाँ से पानी में से होकर विद्यार्थी अपनी कक्षा में पहुँचे हैं। बहरहाल, सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने महाराजा शिवाजीराव स्कूल को CM राइज स्कूल के तहत चुना है। जैसा कि मालव कन्या विद्यालय शुरू हो चुका है, यह भी शुरू हो चुका है, लेकिन दोनों में इतना मूलभूत अंतर नज़र आ रहा है कि यहाँ श्याम पट्टी हरे रंग का जो बोर्ड है वह लगा है, जबकि वहाँ पर लाखों रुपये का स्मार्ट TV। मेरे पास आदरणीय गुरु माता मंजू निगम जी खड़ी हुई हैं, जो कि कौन सा विषय पढ़ाते हैं आदरणीय आप? सोशल साइंस सब्जेक्ट। सोशल साइंस पढ़ाते हैं। इसको पहले से ही आप सरकारी स्कूल में नियुक्त हैं या अभी आपकी नियुक्ति हुई है? नहीं, मैं पहले से ही गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। मैं पहले नायापुरा मिडिल स्कूल में थी जी, इंदौर में। अच्छा, आदरणीय ये बताइए जी कि यहाँ पर स्मार्ट TV नहीं है जी, जो बहुत सारा समझा देती है जी, तो उसके अभाव में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये CM राइज स्कूल की कल्पना को साकार कर रहा है स्कूल जी। जी, वास्तव में ये बात सही है कि हमें बोर्ड में भी पढ़ाने में होता है, मगर स्मार्ट TV हो तो स्मार्ट क्लासेस अच्छी हों तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, उनका डेवलप बहुत अच्छा होता है। बोर्ड में भी पढ़ाई तो काफ़ी समय से हो रही है, परंतु जैसे CM राइज स्कूल हो और उसमें यदि स्मार्ट क्लासेस में हमारी जो मांगे हों वो पूरी हो तो बच्चे उनका और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट होगा। वो जिस तरह से हमारे सर्वांगीण विकास की उद्देश्य रखा गया है उसमें बच्चों को लाभ होगा जी। जाहिर तौर पे ये गरीबों के मध्यम वर्गीय लोगों के बच्चे हैं यहाँ पढ़ने आए जी। यदि ये सेमी प्राइवेट सा है, क्योंकि इंदौर नहीं भारत में अधिकतर स्कूलों की भरमार है। ओके। और सरकारी स्कूलों का ढर्रा भी पूर्णता बालविनय मंदिर या मालव कन्या जैसा नहीं है जी। तो इनको इनके ज्ञान में आपको कितना संघर्ष करना पड़ रहा बढ़ाने के लिए? सामान्य ज्ञान क्या है इनका, इनका विषयागत ज्ञान क्या है? हाँ जी, ये सब्जेक्ट बहुत मतलब ऐसा है कि इसमें इस तरह से बच्चे बहुत मिक्सअप हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, उनको ये समस्याएं आ रही है। और कुछ वर्ग एक ऐसा बच्चों का है जिसमें उनके पास, अगर हम ऑनलाइन मोबाइल की बात करते तो बहुत सारे बच्चों के पास ये नहीं है, अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है तो किस तरह से पढ़ाई हो, तो बच्चे अभी काफ़ी कंफ्यूज हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ है वो समय अनुसार हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हमारे ऑर्डर आ जाता है कि हमें आज ये चीज़ें देनी है तो हम किस प्रकार से दें, हम नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास साधन ही उपलब्ध नहीं है। यदि बुक्स हमें समय पे मिल जाएगी तो बच्चे जो अच्छे तरह से करना चाहे, पढ़ना चाहे, वो समय अनुसार हो सकता है जी। मैं एक सवाल अपनी तरफ से सामान्य ज्ञान का पूछूंगा आपके 4-5 बच्चों से। बिल्कुल। आप अपने विषय के कुछ सामान्य प्रश्न पूछेगा जो आप पढ़ा चुके हैं जी। ओके, धन्यवाद। इसी कक्षा की सुहानी पवार के पास मैं खड़ा हूँ। सुहानी, ये बताइए कि आपकी किस विधा में रुचि है? सर, डांस में। डांस में, ये बताइए सरोज खान कौन है? भारत के प्राचीन काल में यदि कोई बड़ी नृत्यांगना का आप नाम जानते हो वो क्या है? चलिए, इंदौर में सबसे बड़ी नृत्यांगना कौन है जिनके बारे में आपने कभी अखबार में पढ़ा, प्राय आते रहते हैं उनके बारे में? अच्छा, ये बताइए रागिनी मक्खर किस खेल की खिलाड़ी है? तो जैसा आप जानते हैं, बहुत मेहनत करना है इन्हें, सब बच्चों को ABCD से सिखाना है, सब
अंदर सब खाली है, धुआं धुआं है, इसे अच्छा कोहरा बनाने में टीचर्स को बहुत मेहनत करना होगी। हालांकि सरकार ने कल्पना कर ली कि CBSE पैटर्न की लाइक एमरल्ड हाइट्स, इंदौर पब्लिक स्कूल, शिशुकुंज स्कूल, CM राइज स्कूलों को बनाना है, लेकिन सरकारी ढांचा, सरकारी डर्रा और खासकर ये वे बच्चे जो गरीब बस्तियों से आए हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हैं, पहले 2 साल इनके करियर को, इनकी पढ़ाई लिखाई को लॉकडाउन खा गया, कोरोना खा गया, लेकिन घर में जब बैठे थे तो निश्चित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी है एंड्रॉयड मोबाइल, जिस संस्कृति ने भारत को नहीं पूरी दुनिया को पदग्रस्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या बेटा? सर कार्तिकेय तिवारी। कार्तिकेय तिवारी, ये बताओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन? सब इनके लिए तालियां। आपका नाम? श्रियांश मोदी। श्रियांश मोदी, ये बताओ कि अभी भारत की जो क्रिकेट टीम खेल रही है, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेलती है, उसमें 3 फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलर तो ब्रावो बुमराह। ब्रावो बुमराह, चलो तुम्हारा नाम? भारत की जो फिल्मों में काम करते हैं लाइक ऋतिक रोशन, ये मुझे 5 हीरो का 5 हीरोइन के नाम बताओ। शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और ऋतिक रोशन और आर्यन, आर्यन 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 की लड़कियों के नाम बताओ, एक्ट्रेस के। एक्ट्रेस के दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, सारा अली खान। तुम्हारा नाम? जोर से बोलो। जितेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चलो शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल सब। यहाँ की मेयर कौन थी अभी आखिरी बार, महापौर? तो याद था पर अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, महापौर क्या होता है? मेयर होता है, अली महापौर क्या होता है? क्या होता मेयर कौन होता है, मतलब ऐसा आदमी होता है, औरत होती है, घोड़ा होता है, घोड़ी होती है, कौन होता है? पोस्ट है। क्या करते हैं फिर ये? नहीं जानते। अच्छा, विधायक इंदौर में कितने हैं? चलो ठीक है, एक विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहनत करना आपके टीचर को। तो जैसा कि मैं आपको कालांतर में भी कह चुका हूँ, बहुत बुरी स्थिति है, बच्चों को सामान्य ज्ञान भी नहीं है, इंदौर में कितने विधायक हैं बच्चों को ये मालूम नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। जैसे कि मैंने इनसे कहा कि भारत के तेज गेंदबाज कौन है, तो इन्होंने ड्वेन ब्रावो बताया जो कि वेस्ट इंडीज के। हमको आदरणीय मैडम ने यहाँ बातचीत करने का मौका दिया, उसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। बताइए एमपी का? एमपी का भोपाल। और जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। हम चले लेक रास्ते पे हमसे भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे। प्रणाम।
क्या है? रूपल कौशल। कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? इसके पहले कौन सी स्कूल में? हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसका नाम क्या है? इंदौर। बहुत बढ़िया। और हमारे सीएम साहब कौन है? मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के लिए सीएम राइज स्कूल योजना एक चुनौती है, क्योंकि रूपल कौशल, उनसे मैंने पूछा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। मैंने उन्हें ये कहा कि यहाँ की हम किस सरकार में रह रहे हैं, वो जवाब भी उन्होंने गलत दिया। बहरहाल मैं इनके पास मीटिंग करना है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा राय। आप कौन से स्कूल से आए हो? शास्त्री माध्यमिक विद्यालय। आठवीं में कितने परसेंट मार्क्स आए आपको? 70%। अच्छा, आप ये बता सकते हो कि भारत के वित्त मंत्री अभी कौन है? ऋषभ गरोलिया। मैं बाणगंगा में रहता हूँ। ये बताइए, मैं एक अंग्रेजी का सेंटेंस बोलता हूँ, आप उसका अनुवाद कर देंगे? सर, कोशिश करेंगे। हाउ टू रीड अ पर्सन लाइक ए बुक? सर, कैसे बुक कैसे रीड करें सर? आप नहीं दे पाए। बहरहाल, गुड़िया, आपका नाम क्या? माई नेम इज़ भूमिका गोयल। भूमिका गोयल, इसके पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे आप? इससे पहले 78 में पढ़ते थे, अरण्यनगर। अरण्यनगर। आपके आदरणीय पिता श्री का नाम क्या है? पवन गोयल। पवन गोयल से आप कितना पढ़ा लिखे हैं? 9th class तक। 9th class। आपकी माता राम का नाम क्या है? मम्मी का लक्की गोयल। लक्की गोयल। आप मुझे एक वाक्य अंग्रेजी में बोलकर बता सकते हैं? मैं और मेरा कैमरामैन आपकी चलती क्लास में आ गए। किस टाइप? हम लोग चलकर आपकी क्लास में आए। yes, sir. थोड़ा डिफिकल्ट। क्या आप हिंदी अनुवाद कर दोगे? आप कर दोगे? मैं बोलता हूँ, कोई बच्चा कर देगा जो मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ उसका हिंदी अनुवाद कर देगा? नहीं, आप करोगे? चलो, आप क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? माय नेम इज देव ओरे। देव ओरे। इसके पहले कहाँ पढ़ते थे आप? इसके पहले मैं अरुणोदय विद्या मंदिर में पढ़ता था, जो जोशी मोहल्ले में। अच्छा, द मैन हु इज विराट कोहली हु इज ऑन योर स्क्रीन, इसका मीनिंग क्या होता है? द मैन हु इज विराट कोहली ही इज ऑन योर स्क्रीन। विराट कोहली कौन है वो स्क्रीन? क्या बोला था आपने? मैन। चलो, आपको ये सेंटेंस बोलकर बताओ कि हम आपके कक्षा रूम में आए और आप लोगों को डिस्टर्ब किए। You come my class. नमस्कार, एक बार फिर आदरणीय गुरु माता लक्ष्मी शिंदे जी मेरे पास खड़ी हुई हैं। उन्होंने कक्षा को रोककर हमसे बात करना स्वीकार किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आदरणीय, ये बताइए कि आपकी क्लास कौन सी है? पास ये 9th A class है। पास सीएम राइज विद्यालय के अंतर्गत कक्षा 9वीं है, सेक्शन ए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पिछले साल बच्चे पढ़ रहे थे उनकी संख्या कितनी है और जो नए एडमिशन हुए सीएम राइज वो कितनी है? सर, ये एग्जैक्ट बताना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं भी नई हूँ इस विद्यालय के लिए, नियुक्ति अभी हुई है मेरी, सिलेक्ट होकर आए हैं एग्जाम देकर, तो ये कह पाना मुश्किल होगा थोड़ा कि कितने स्ट्रेंथ है, लेकिन अभी फिलहाल इस 9th A class में 49 स्टूडेंट्स है। जब हमने आपकी कक्षा में प्रवेश किया था आप इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर रहे थे, तो क्या ये सभी विद्यार्थी अंग्रेजी समझ जाते हैं? नहीं सर, समझते नहीं है, लेकिन इनके साथ में हमें ऐसा करना पड़ता है ताकि इसको ये समझकर बोलने की कोशिश कर सके।
मान लीजिए हमको ऐसे 10 मीटर आगे जाना है तो पहला कदम चलना पड़ेगा, तो ऐसा भी हो रहा है कि आपको अक्षर ज्ञान भी कराना पड़ रहा होगा। जी, ये हम करवा रहे हैं अक्षर ज्ञान जी। ये देखिए ए टू जेड अभी हम फिर शुरुआत से हम कर रहे हैं। ये हमने लिखे ए टू जी, कल 6 लेटर्स, कल हमने इनको एक्टिविटीज के थ्रू 26 लेटर इन विच प्लेस दे कम्स ये बताया था। इंदौर का पहला सीएम राइज स्कूल है मानव कन्या विद्यालय जी सर। वहाँ जब हमने दौरा किया मेरे साथी हो गए राठौर जी के साथ, तो वहाँ स्मार्ट टीवी लगा हुआ है लाखों रुपए का, उस पर उंगली रखते हैं जो आप मानते हैं उसको मन जाता है, उस पर पहले से प्रोग्राम रहते हैं जो बालक बालिकाओं को समझाते हैं, उसके अभाव में आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर देखिए अभी अभावों में देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमें फेस टू फेस इन लोगों को एक एक चीज पर्टिकुलर समझाना पड़ रहा है, क्योंकि इनका बेस इतना पक्का नहीं है। विगत 2 वर्ष के कोविड-19 के कारण 2 वर्ष से इन लोगों की पढ़ाई छूटी हुई है। ये कहें कि जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे जिसमें जितना बच्चा सीख सकता है वो हमारे जो फेस टू फेस पढ़ाई में सीखता है वो उसके अकॉर्डिंग कम है, तो इसको वापस से हम रिकॉल कर रहे हैं, इनका माइंड फिर से फ्रेश करके। इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इनको वापस से हमें रिकॉल करके उस लेवल तक लेकर आना है। अभी 3 महीने अपने 30 अगस्त तक ब्रिज कोर्स चलेगा इनका, जिसमें हमें सिर्फ इनको छोटी 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 बातें यही सिखानी है। नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ इंदौर के सबसे पुराने महाराजा शिवाजी राव हाई स्कूल में बैठा हूँ। आदरणीय सुधांशु वर्मा जी जो कि यहाँ के उपाचार्य हैं, वे हमसे सीएम राइज स्कूल के बारे में और उसकी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बातचीत करेंगे। आदरणीय आपका बहुत स्वागत है प्रभात किरण के अलावा ग्लोबल वेब टीवी नेशनल हेराल्ड टीवी में। ये बताएं कि जैसे मालव कन्या स्कूल में लड़कियों के एडमिशन हुए हैं, KG-1 और KG-2 में लड़कों को भी लिया गया है, तो महाराजा शिवाजीराव स्कूल में भी केवल लड़कियों को लिया गया है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी KG-1 से लेकर क्लास 12 तक इसको को एजुकेशन में सम्मिलित किया गया है इस विद्यालय को जी। तो वहाँ पर KG-1 और KG-2 में भी बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, और क्लास फर्स्ट से सिक्स में भी लड़के, क्लास फर्स्ट से फिफ्थ में और 6-8 में तथा 9-12 में भी लड़के लड़कियाँ। सर KG-1 और KG-2 में लगभग कितने एडमिशन हो गए बालक और बालिकाओं के? वहाँ पर अभी सर छात्र संख्या कम है, लगभग 26 बच्चों के आसपास की संख्या आ रही है सर। जी, अभी एडमिशन चल रहे हैं सर। जी, जैसे मालव कन्या में 22 नई टीचरों की नियुक्ति की गई है जी, तो यहाँ का पूर्व स्टाफ संख्यागत कितना है और अब कितना हो गया? यहाँ का सर पूर्व स्टाफ 24 का था और हम लोग कुल मिला के मैडम के साथ में मिला के हम लोग 11 लोग आए हैं सर। अच्छा, 11 लोग आ पाए, तो लगभग 36 के आसपास। जैसे जो स्मार्ट टीवी मालव कन्या में लग चुके हैं लाखों रुपए के, तो आपके स्कूल में ये हो गए? हमारे स्कूल में सर 2 स्मार्ट टीवी हम लोगों को मिले हुए हैं जी। अभी उनका इंस्टॉलेशन होना है सर जी। और एक रोटरी क्लब वालों के माध्यम से एक स्मार्ट टीवी मिला है सर, वो चालू हालत में सर, उसमें बच्चों को दिखाया जाता है जी। यदि सीएम राइज स्कूल की कक्षाओं की कल्पना करें तो उनकी संख्या कितनी है? सीएम राइज स्कूल में सर 9 KG-1 से लेकर कक्षा 12 तक की क्लास लगेगी सर जी। हर विषय की कक्षा उसमें संचालित होंगी। अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर स्ट्रीम नहीं है सर जी, यानी कि आपको 10 स्मार्ट टीवी की और जरूरत है? जी हाँ सर, शासन द्वारा मुहैया कराई जाएगी जी। ये थोड़ा अप्रिय प्रश्न है, जैसा कि आज सुबह बारिश हो रही थी जब मैं आपके परिसर में आया जी, तो हम जहाँ बैठे उसके ठीक पीछे पानी भरा है जी। हाँ सर, विद्यार्थी उस पानी में से होकर या तो साइकिल पर गए या पैदल बस बचाकर ऊपर गए हैं जी। तो ये अव्यवस्था दूर करने का प्लान कब है सर? नहीं सर, ये अव्यवस्था दूर हो रही है हमारा नगर पालिका से मैडम प्राचार्य महोदय के द्वारा। प्राचार्य मैडम का नाम श्रीमती हर्षा पंडित जी है। हर्षा पंडित जी, हाँ, तो उनके द्वारा लगातार नगर पालिका से संपर्क किया जा रहा है और नगर पालिका द्वारा बराबर साफ सफाई की जा रही है सर जी। जैसा कि सीएम राइज स्कूल की कल्पना मध्य प्रदेश सरकार ने की है जी सर, यहाँ उच्च स्तर की पढ़ाई, यदि सीएम राइज स्कूल की कक्षाओं की कल्पना करें तो उनकी संख्या कितनी है? सीएम राइज स्कूल में सर 9 KG-1 से लेकर कक्षा 12 तक की क्लास लगेगी सर जी। हर विषय की कक्षा उसमें संचालित होंगी। अभी यहाँ पर एग्रीकल्चर स्ट्रीम नहीं है सर जी, यानी कि आपको 10 स्मार्ट टीवी की और जरूरत है जी। हाँ सर,
शासन द्वारा मुहैया कराई जाएगी जी। ये थोड़ा अप्रिय प्रश्न है, जैसा कि आज सुबह बारिश हो रही थी जब मैं आपके परिसर में आया जी, तो हम जहाँ बैठे उसके ठीक पीछे पानी भरा है जी। हाँ सर, विद्यार्थी उस पानी में से होकर या तो साइकिल पर गए या पैदल बस बचाकर ऊपर गए हैं जी। तो ये अव्यवस्था दूर करने का प्लान कब है सर? नहीं सर, ये अव्यवस्था दूर हो रही है हमारा नगर पालिका से मैडम प्राचार्य महोदय के द्वारा। प्राचार्य मैडम का नाम श्रीमती हर्षा पंडित जी है। हर्षा पंडित जी हाँ, तो उनके द्वारा लगातार नगर पालिका से संपर्क किया जा रहा है और नगर पालिका द्वारा बराबर साफ सफाई की जा रही है सर जी। जैसा कि सीएम राइज स्कूल की कल्पना मध्य प्रदेश सरकार ने की है जी सर, यहाँ उच्च स्तर की पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन हमने विडम्बना ये देखी मालव कन्या में कि जो एडमिशन हुए हैं वे या तो सेमी प्राइवेट और अतकचरे स्कूल से आए बच्चे हैं या सरकारी स्कूल से आए बच्चे हैं जी। कल उनसे पूछा गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है, तो 50 में से 50 बच्चे नहीं बता पाए। बहरहाल यहाँ जो पढ़ाई अभी की कराई जा रही है नए एडमिशन जी सर, तो उनके साथ इस तरह की दुविधा आ रही है सर? नहीं सर, उस दुविधा को हम लोग दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे जी। सीएम राइज का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो महत्वाकांक्षी योजना है सर जी, उस योजना को क्रियान्वयन करने में हम लोग तत्परता से शामिल होंगे सर जी, और बच्चों की पूरी हर तरह से जितनी भी दुविधाएं हैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आदरणीय गुरुदेव सुधांशु वर्मा जी, जैसा कि इंदौर के जो सबसे बड़े आकार के सरकारी स्कूल में खेल मैदान है जी, वो आपके पास मुहैया है जी, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट की दुकान चलाने वालों ने, बेसबॉल वालों ने, सॉफ्टबॉल वालों ने, वॉलीबॉल वालों ने, हैंडबॉल वालों ने, हॉकी वालों ने इसका उपयोग कर रखा है, कुछ ने और कुछ ने कब्जा कर रखा है। तो इसे मुक्त कराने को लेकर के आपने जिलाधीश महोदय आदरणीय मनीष सिंह जी को पत्र लिखा सर? अब वो उस संबंध में मैडम आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी दे जाएगी जी। फिर भी जो सीएम राइज स्कूल है मालव कन्या, उसमें खेल के लिए पर्याप्त जगह नहीं, आउटडोर एक्टिविटी के लिए जी सर। इंडोर गेम्स तो वहाँ चालू हो गए जी, लेकिन आपके यहाँ पर आउटडोर की पर्याप्त व्यवस्था है? यदि इंदौर के होलकर स्टेडियम के क्षेत्रफल को मापा जाए जी, तो आपके महाराजा स्कूल में जो जमीन उपलब्ध है वो उससे ज़्यादा बड़ी है जी। तो आउटडोर गेम्स कौन से जल्दी शुरू होने वाले हैं आपके यहाँ? अब इस संबंध में सर आपको मैडम ज़्यादा अच्छे से ठीक है। ओ प्राचार्य आदरणीय सुधांशु वर्मा जी, आपने हमसे बात की, आपके भीतर बैठे परमात्मा को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद जी। धन्यवाद। टीवी चैनल देखने वाले सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी तरफ से सीएम राइज विद्यालय की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।